पूरी तरीके से हम ईवीएम को बैन करेंगे, सरकार को बदलना चाहेंगे ताकि हमारी जो सुख सुविधाएं हैं उत्पन्न शुरू हो जाए। ईवीएम बंद होना चाहिए और धर्म और जात की राजनीति बंद होना चाहिए। हमारी राय है कि ईवीएम बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। विष्णु है हाँ, और सीता जी अभी वनवास में है, अर्थात मोदी जी की पत्नी तो गुजरात में है, तो वो तो कहीं ना कहीं तो वो भैया सीता है। अभी 4 साल तक तो राम राज्य का कोई वो नहीं था, ठीक है, 4 साल तक। अब ये चुनाव आ गया 2024 में, राम राज्य आ गया। विश्वविद्यालय से लेकर प्राइमरी तक कोई भी शिक्षक अपने बच्चे को उस विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता, खुद पढ़ाता है लेकिन अपने विद्यालय अपने बच्चों को प्राइमरी में, जूनियर हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना नहीं चाहता। इसके माने शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी है कि पहले हर गांव में आपको 2-4 लोग नौकरी पेशा में मिल जाते थे। आज की जनरेशन जितनी यहां खड़ी है किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास कोई धंधा नहीं है। इस कचहरी में 30,000 वकील कम से कम हैं। आज स्थित वो है कि जिसमें से 250 वकील साइकिल से आते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद और स्वागत करता हूं दर्शक न्यूज 24 में। दोस्तों बता दें कि ईवीएम आंदोलन की आग जो है अब शोला बनकर भड़क चुकी है। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर में देश के अलग अलग राज्यों से लोग बाग ईवीएम को बैन कराने के लिए बड़े आंदोलन के लिए बैठ चुके हैं। दोस्तों बता दें कि ईवीएम को लेकर अब देश के अलग अलग राज्यों में, यानी कि देश के कोने कोने में ईवीएम बैन कराने के लिए लोग बाग सड़कों पर उतर चुके हैं। ऐसे में आज हम इलाहाबाद के जनपद न्यायालय में मौजूद है, बहुत सारे अधिवक्तागण हमारे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी की अगुवाई में ईवीएम को बैन कराने के लिए बड़े आंदोलन कराए जा रहे हैं, ऐसे में लोगों की क्या राय है, ये लोग क्या सोचते हैं, इनका ओपिनियन क्या है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। कैमरा मैन से कहीं थोड़ा सा आगे हैं एक सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करते हैं दरअसल उनकी राय क्या है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रत्नेश कुमार शुक्ला है जी। ये राजनीतिक मुद्दा है जी, और राजनीति जब जब चुनाव आता है तो राजनीति चालू हो जाती है। मेन भारत में मुद्दा है बेरोजगारी, मेन मुद्दा है स्वास्थ्य, मेन मुद्दा है शिक्षा, न इस पर कोई नेता बात करता है, न इस पर कोई पत्रकार बात करता है। जब चुनाव आ जाएगा कभी हिंदू मुस्लिम कहा जाएगा, कभी मस्जिद मंदिर कहा जाएगा। इतने इलाहाबाद में कम से कम 1,00,000 वकील हैं, वकीलों की बात कोई नहीं रख रहा है, शिक्षार्थी ज़्यादा हैं, शिक्षार्थी की बात कोई नहीं रख रहा है। ईवीएम में न हमारा कोई भाग है, न उसके हम इंजीनियर हैं, न उसके हम पैरोकार हैं। हमारा काम केवल मतदाता की मतदान करना है। ये व्यवस्था निर्वाचन आयोग की है, क्योंकि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र बॉडी है, वो किसी को रोक सकती है, किसी को बंद कर सकती है। जैसा निर्वाचन आयोग, क्योंकि हमारे कहने से न ईवीएम बंद होगा न ईवीएम चालू होगा, इसलिए ये चुनावी स्टंट है कि अपने मतदाताओं को किस तरह भ्रम में रखा जाए। मेन मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी। इतने नवयुवक लड़के आपको इलाहाबाद कचहरी मिल जाएंगे जिनके पास आएगा कोई साधन नहीं है, आते हैं जाते हैं। इसलिए राजनीतिक केवल अपना राजनीतिक गण, चाहे जो दल के हों, केवल अपना व्यवसाय लेने के लिए कि हमारी थाली थाली किसे चलती रहे, इसलिए एक न एक मुद्दा लाकर युवाओं को बहकाते रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे भी गुजारिश है कि जो मुद्दा सही हो, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बहुत मुद्दे हैं भी, देखिए यहाँ गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी करने का कोई जगह नहीं, जो सही मुद्दे हैं उस पर आप बात करेंगे। क्योंकि आजकल हमारा नवयुवक जो भी है वो राजनीतिक लोगों के बहकाव में आ गया है। मेरा सभी से गुजारिश है कि जो सही मुद्दे हैं उस पर आंदोलन करें, उस पर कार्रवाई हो। धन्यवाद सर। सर एक मिनट, जैसा कि आपने कहा कि निर्वाचन आयोग का विषय है, तो वहीं पर जो बहुसंख्यक लोग हैं, बहुसंख्यक लोग एक बैनर तले आकर निर्वाचन आयोग से मांग कर रहे हैं, तो क्या उनकी बात पर अमल नहीं किया जाना चाहिए? क्या एक बार सोचा नहीं जाना चाहिए कि अगर वो ईवीएम को लेकर अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो निर्वाचन आयोग निष्पक्षता के साथ जवाब तो दे सकता है? देखिए बंधुवर, आप सामान्य मतदाता हैं और सामान्य पत्रकार हैं, मैं भी सामान्य अधिवक्ता हूँ। एक अधिवक्ता से पूछिए जिसको कुर्सी मिल जाती है, थानेदार हो गया बिना पैसे काम नहीं कर रहा है, सीआरओ है पेशकार बिना पैसे के तारीख नहीं दे रहा है, जिसको जो पोस्ट मिलती है भैया वो अपने अनुसार कार्य करता है, और जिसको जब सत्ता जो मिली, जब जिसकी सत्ता रही है वो अपने हिसाब से काम करता है। आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है,
कि आम जनता कोई सुने, केवल वोट के समय कि वोट किसको कहाँ दिया जाए बहलाकर फुसलाकर वोट ले लिया जाता है। इसी में भारत की जनता निरीह मारी जा रही है, उसका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। सर, आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात उठाई है, तो इन तीनों मुद्दों पर आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में बात की जा रही है, तो क्या लगता है इन दोनों की, इन तीनों की दशा और दिशा वर्तमान समय में क्या है? शिक्षा की भाई बात यह है कि विश्वविद्यालय से लेकर प्राइमरी तक कोई भी शिक्षक अपने बच्चे को उस विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता। खुद पढ़ाता है लेकिन अपने विद्यालय, अपने बच्चों को प्राइमरी में, जूनियर हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना नहीं चाहता। इसके माने शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी है। स्वास्थ्य की बात आ गई, स्वास्थ्य इलाहाबाद में, आप चूँकि इलाहाबाद का मुद्दा है, इलाहाबाद में हजारों नर्सिंग होम पड़े हुए हैं जिनका व्यवसाय चल रहा है। किसी अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं बैठता, कोई किसी को देखता नहीं, इसलिए ये सब मेन मुद्दे हैं कि हम कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं बैठता और साथ में कमी बता रहे हैं। वहीं पर सरकार बड़े बड़े दावे हाँकती है कि स्वास्थ्य को लेकर तमाम अच्छे अच्छे मिशन चलाए जा रहे हैं। भैया, अगर हम कोई मुक्किल मर्डर करके आया और उससे हम नहीं कहें, उससे हम अगर नहीं कहेंगे कि आपको छोड़ा लेंगे और उससे कहेंगे आपको सजा हो जाएगी, तो दूसरा वकील जाकर दूसरा वकील कर लेगा। इसलिए ये भारत देश है, जितना झूठ बोलेंगे उतना ही आपका फलीफूत होगा। इसलिए ये सिस्टम सही है। अगर कोई मुकदमा आया और कह दिए कि आपको सजा हो जाएगी तो आपको पास आएगा नहीं, दूसरे वकील के पास जाएगा। नहीं सर, ये एक जुमला है, हम इसको जुमला नहीं है, ये भारत की जनता अंधी जनता है, वास्तविक पर काम नहीं करना चाहती, लोगों के बहकावे में काम करना चाहती है। इसलिए जैसा देश वैसा भेष। तीसरा मुद्दा सर, तीसरा मुद्दा रोजगार। रोजगार, रोजगार, रोजगार की स्थिति ये है कि पहले हर गांव में आपको दो चार लोग नौकरी पेशा में मिल जाते थे। आज की जनरेशन जितनी यहाँ खड़ी है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास कोई धंधा नहीं है। इस कचहरी में 30,000 वकील कम से कम हैं। आज स्थित वो है कि जिसमें से 250 वकील साइकिल से आते हैं, और कोई चपरासी हो जाए तो मोटरसाइकिल से आता है। चूँकि अगर आप कोई रोजगार देंगे, आगे आदमी बढ़ेगा, तो उससे जो है देश का विकास होगा, गांव का विकास होगा, और हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव का विकास इस समय बिल्कुल रुका हुआ है। तो मान लिया जाए सर कि इस समय जो है बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है 99%। इलाहाबाद में आपको हर गली मोहल्ले में कम से कम 5 लाख लड़के मिल जाएंगे जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। बाल झड़ जा रहा है लेकिन उनको न रोजी रोटी कुछ नहीं सरकार उपलब्ध करा पा रही है। सर, लास्ट सवाल, लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024, और आपने तीन मुद्दे बताए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 किन किन मुद्दों पर होना चाहिए इस बार? पहली बात तो ये समझ लीजिए पत्रकार महोदय कि भारत देश ऐसा देश है कि 365 दिन होते हैं, 365 दिन में कम से कम 1,000 रोज चुनाव होता है। इतना चुनाव में पैसा अव्यय हो रहा है जिसका वो सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए कि जिसको चुनाव कराना हो, लोकसभा से लेकर वकालत किसी संस्था, किसी एक डेट फिक्स कर दिया जाए उस पे हो। क्योंकि रोज 1,000 चुनाव, भारत देश में 22-25 राज्य हैं, रोज 1,000 चुनाव होता है, पैसा बहुत अव्यय जा रहा है और हमारे हित में काम नहीं आ रहा है, वो नंबर दो का पैसा जा रहा है। इसलिए चुनाव को सीमित करना चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए ईवीएम से? ये सरकार, ये देखो हमारी मांग है, मांग सकते हैं कोई, लेकिन देने वाला स्वतंत्र बॉडी है। सर, मांग आपकी जानना चाहते हैं भाई, आप क्या चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या फिर ईवीएम से होना चाहिए? हमारी हिसाब से दोनों व्यवस्था कर, लोगों को शंका है ना कि ईवीएम हैक हो रहा है, बैलेट पेपर हैक नहीं हो सकता। अगर पैसे भी जाना है, सरकार व्यवस्था कर दे, दोनों पे चुनाव कर ले, जिसको जो जो पसंद हो उसी वोट दे के जाए, उसमें कौन सी बात है। आपके अधिवक्ता साथी ही मांग कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से कि 5 मशीनें हमें दी जाएं और उसको जो है अलग अलग राज्यों में ले जाकर और हैक करके दिखाएं किस तरह से ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। हमारी बात सुनिए, हम लोग तो वकालत पेशे में हैं, जब चुनाव आयोग ने चैलेंज किया, इंजीनियर जाके हैक करके नहीं दिखा पाए, कहने को कोई कुछ बोल दें, जिसको हैक करना है जाके निर्वाचन आयोग में रखा हुआ है, उसको हैक करे दिखाए। ये हम उस इंजीनियर की पढ़ाई नहीं पढ़े, हम सिर्फ कानून की पढ़ाई पढ़े हैं। अगर कुछ होता है तो कानून के माध्यम से आए, मैं उसका सही उत्तर कोर्ट में दूंगा।
चलिए ठीक है। तो ये एक जो है सीनियर अधिवक्ता थे और सारे तमाम युवा अधिवक्ता हैं, इनसे भी थोड़ा जानते हैं, बातचीत करते हैं। आइए इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। देखिए बातचीत करने में भी हीला हवाली। क्या सुख नाम हुआ सर? वरुण देवपाल। ईवीएम के बारे में क्या सोचते हैं आप? ईवीएम के बारे में हम चाहते हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, या अभी हमारे सीनियर एडवोकेट साहब ने बताया अगर मशीन से होता, दोनों व्यवस्था करा दिया जाए, जो उसको जो जिस पे वोट देना होते। तो एक संग कहाँ हो सकता है? एक संग ना दुई होए भुआलू, हाँ सब ठेठाऊ फुलाऊ गालू। हाँ, या तो फिर ईवीएम ही ले लीजिए या फिर बैलेट पेपर ले लीजिए। सारी जनता हिंदुस्तान की एक कोने जनता कह रही है कि जो है ईवीएम हैंग कर ली जाती है। हाँ। पत्रकार महोदय आप अच्छी तरह जानते हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, आप एक कवि के रूप में जो है पत्रकारिता कर रहे हैं। आप जानते हैं कितना भी कुत्ता भौंकता है हाथी कान हिलाते चली जाती है। हम लोग कह रहे हैं कोई फर्क पड़ रहा है? फर्क पढ़ना चाहिए, यही तो हम जानना चाहते हैं कि फर्क पढ़ना चाहिए, वही आपकी राय जानना चाहते हैं। बांध को मारो क्यों न सहो, जब बांध को मारा जाता है कोई आदमी ना, कितना भी चिल्लाए उसकी आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देती है। कितना भी लोग कह रहे हैं कि ईवीएम होना चाहिए, होना चाहिए, हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं सरकार भी मान रह जाए, जनता भी मान रह जाए, दोनों पर करा दे, दोनों पर करा दे। चलिए ठीक है, ये इनका अपना ओपिनियन है। एक युवा साथी हमारे साथ, आइए। समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, देखिए हमें पार्टी विशेष से मतलब नहीं है, हम आम लोगों से। ये भी देखिए एक अधिवक्ता है हमारे साथ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मुजीबुर रहमान जी। ईवीएम को लेकर जिस तरह से देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, देश के अलग अलग राज्यों से, यानी कि देश के कोने कोने पे आवाज़ ईवीएम बैन को लेकर पहुंच चुकी है, और ऐसे में आपके जो सीनियर अधिवक्ता हैं भानु प्रताप सिंह महमूद प्राचा जी, इनकी अगुवाई में यह आंदोलन किए जा रहे हैं, आपकी राय क्या है, ईवीएम बैन होना चाहिए? हमारी राय है कि ईवीएम बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्यों ईवीएम बैन होना चाहिए? ईवीएम क्यों बैन होना चाहिए? हर जगह शोर है कि ईवीएम हैक होती है। जब चांद पे उपग्रह पहुंच करके यहां से रिमोट से चलाया जा रहा है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए ईवीएम हटाया जाए, बैलेट पेपर चुनाव कराया जाए, पारदर्शिता उसमें है। यानी कहीं ना कहीं ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए, बैलेट पेपर कराया जाए। चलिए 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 ठीक है ठीक है ठीक है। आइए इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, आए। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार शुक्ला। ये बताइए शुक्ला जी, क्या चाहते हैं कि जिस तरह से ईवीएम को लेकर आंदोलन चल रहा है कि ईवीएम बैन कराई जाए, आपकी क्या राय है? हमारी राय में तो बैलेट पेपर से ही करा दिया जाए। बैलेट पेपर से कराया जाए। जो लोगों की मानसिकताएं हैं उस मानसिकताओं को ध्यान में रखते हुए, जनता की आवाज़ को देखते हुए, प्लस जो भी पार्टियाँ, ठीक है, चुनाव होती हैं, कई पार्टियाँ, कहीं कांग्रेस जीत रही है, कहीं बीजेपी जीत रही है, तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं एक दूसरे पे ये आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, तो ऐसी स्थिति में तो सरकार को चाहिए कि चुनाव आयोग को ये चाहिए कि वो जो है उन लोगों को के मनोवृत्तियों को देखते हुए ये बैलेट पेपर से करा दिया जाए। इसमें खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जैसे अभी एक प्रकरण है गुजरात के, एक कोई इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने ईवीएम को जो है हैक करके जो है दिखाया, जंतर मंतर में जो है दिखाया जी। सुप्रीम कोर्ट के हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं, जिसको भानु प्रताप सिंह महमूद प्राचा जी उन्होंने ही जो है इसे इसी को लेकर साबित भी किया है सुप्रीम कोर्ट में। और वो जो गुजरात का वो बंदा जो ये करके दिखा रहा है, वो अपने छोटे छोटे चैनलों से, यूट्यूब माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वो जो सोशल मीडिया के माध्यम से वो जो सब कुछ जागरूक कर रहा है कि देखिए ये इस ढंग से ये होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार भी जो लगता है, क्योंकि बेरोजगारी उसका कोई ध्यान नहीं है, महंगाई अपने चरम पे जा रही है, और सरकार की ये नीति ये हमें कहीं से जो है ये नहीं समझ में आ रही है कि जब अभी 4 साल तक तो राम राज्य का कोई वो नहीं था, ठीक है, 4 साल तक, अब ये चुनाव आ गया 2024 में, रामराज आ गया, आप रामराज में पहुंच गए, इसका मतलब सीधा ताल्लुक राम मंदिर से है? नहीं, मंदिर से बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब है धर्म की आड़ में
आप राजनीति कर रहे हैं, धर्म को धंधा बनाया जा रहा है, धर्म को ये जो है धंधा बना लिए हैं। कहीं ना कहीं जो राम मंदिर, राम मंदिर अयोध्या में जिसका निर्माण हुआ है और भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आपके भी राम है, तो क्या उसको आप राजनीतिक मुद्दा से जोड़कर देखते हैं? नहीं, देखिए जैसे हमारे शंकराचार्य जी ने कहा, चारों शंकराचार्य ने ये कहा, उसके बाद और जो रामानुजाचार्य राम के भी जो उसके पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी ये कहा। और राम मंदिर के लिए आडवाणी जी ने कितनी जो है बलिदानी दी, हमारे इलाहाबाद के मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या अपना वो किया, विनय कटियार ने क्या किया, इनको जो है पूछा क्यों नहीं गया? मैं तो देखा हूँ तो ठीक है, अशोक, डॉक्टर अशोक ने वो किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, लेकिन उनका तो कहीं नहीं, पूरे जितने भी चैनल चले हैं उसमें मोदी ही अपना लोटा लेके जा रहे हैं। उन्हें तो मोदी जी इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री का काम है, आप आडवाणी जी की बात कर रहे हैं, आप मुरली मनोहर जोशी जी की बात कर रहे हैं, अब बुजुर्ग हैं, वो कहाँ चल फिर सकते हैं? ना ना ना, मतलब आपके घर के बुजुर्ग, आप एक मिनट, आपके घर के बुजुर्ग बुड्ढे हो जाए तो उनको घर से बाहर निकाल दो, जाओ कमरे में बैठो, जाके कमरे में बैठो, हम जो घर चला रहे हैं, जो तुमने देखी दुनिया वो बेकार है। शुक्ला सर आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, आप नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं और जो वहाँ के ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय सचिव हैं, क्या नाम उनके, चंपत राय जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को क्या बताया, आपको पता है? पता है, क्या पता है? विष्णु अवतार किसके अवतार थे? राम के ही तो अवतार थे। हाँ, राम के अवतार थे, तो बताइए, तो हम बता रहे हैं, चंपत राय जी 2 करोड़ की जमीन लेके 18 करोड़ में बेच दिया, 18 करोड़ में बेच दिया, तो भैया चंपत राय जी की ही तो खेला लीला है, तो भैया वो विष्णु है और सीता जी अभी वनवास में है, अर्थात मोदी जी की पत्नी तो गुजरात में है, तो वो तो कहीं ना कहीं वो भैया सीता है। राम जी को भी अकेला ही लाया गया, राम जी को ही अकेला लाया गया। सर क्या हुआ, आप मुझ पे सवाल उठा रहे हैं लगता है, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, मैंने वही बात कही जो बात हमने जानी है, जो हमने सुनी है। चलिए, एक भाई साहब ये जो है बीच में काफी बोल रहे थे, क्या कुछ कहना चाहते, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार सरोज, एडवोकेट, मैं यहाँ जनपद न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी मांग है कि ईवीएम को बैन करके और बैलेट पेपर चुनाव कराया जाए, क्योंकि जो ईवीएम का हैक किया जा रहा है, अगर हमने एक बटन दबाया तो उसकी तरीके से जिस पे हमने बटन दबाया उसका फोटो निकल के आनी चाहिए, जैसे बैलेट पेपर पे हमने मोहर मारते हैं उसी तरीके से। तो इस तरीके से ये, और ये राजनीति ऐसे होती है कि धर्म को आगे करके और राजनीति को पीछे कर देते हैं, धर्म के आड़ में राजनीति होती रहती है यहाँ पे आए दिन। ये भारत का राजनीति तुलना बन चुकी है यहाँ पे आज, और हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, आज हमको ये काली कोट पहनने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रोजगार नहीं है, हाँ शिक्षा है नहीं, शिक्षा के रास्ते पर ले जाने के लिए आप मंदिर में ले जा रहे हैं, क्या हम मंदिर में जाके पूजा करके हम शिक्षित हो जाएंगे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर जहाँ शिक्षा खत्म हो गई वहाँ भारत की बर्बादी शुरू हो गई। पूरी तरीके से हम ईवीएम को बैन करेंगे, सरकार को बदलना चाहेंगे ताकि हमारी जो सुख सुविधाएं हैं उत्पन्न शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार को बदलने के लिए ही तो ये ईवीएम वाला जो है मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर ईवीएम जब बैन हो जाएगा तो सरकार ऑटोमेटिक हट जाएगी, तो क्योंकि सरकार, आप सुनिए आप कह रहे हैं कि ईवीएम हट जाएगी सरकार बदल जाएगी, तो क्या लगता है सिर्फ ईवीएम के जरिए सरकार बनी? बिल्कुल, ईवीएम के जरिए बनी, अगर उनको विश्वास है कि हम ईवीएम से हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लेंगे और क्या बोलते हैं आम जनता हमारे पास है, हमको सहमति मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी, तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? वो बैलेट पेपर चुनाव करवा के देख ले तो उनको पता चल जाएगा कि जनता हमारे साथ है कि ईवीएम हमारे साथ है। बस मेरा कहना यही, ईवीएम बैन हो जाए और धर्म के आड़ में राजनीति खेलना बंद कर दें। तो अच्छा, आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 तक ईवीएम बैन हो पाएगी या नहीं? मतलब एक हम लोग का एक प्रयास चल रहा है, हम लोग 20 जनवरी को भी आंदोलन यहाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में हाई कोर्ट से लेकर जनपद न्यायालय तक पैदल मार्च किया है, आंदोलन का शुरुआत किया, जो हमारे सीनियर डॉक्टर रितु सिंह ने शुरुआत कर दिया है, आज वहाँ तक पूरा विश्व में गूंज चुका है ये आंदोलन कि ईवीएम को बैन हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए जी, ईवीएम बैन होगा तभी हमारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी। चलिए, आप ईवीएम के खिलाफ हैं, एक सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ, सर थोड़ा सा आगे आए, इनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि सर जो है
बीच बीच में बोल रहे थे और हम सुन रहे थे, क्या शुभ नाम हुआ सर? राम सिंह यादव। ये बताइए ईवीएम को लेकर जिस तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं, अभी शुक्ला सर ने बताया कि ईवीएम कहीं ना कहीं बैन होना चाहिए, उन्होंने यहाँ तक कि राम मंदिर पर भी सवाल खड़े कर दिए, आपकी राय क्या है, आप क्या किस नजरिए से देखते हैं? ईवीएम बंद होना चाहिए। जो बात सही है, ईवीएम बंद होना चाहिए और धर्म और जात की राजनीति बंद होना चाहिए। धर्म जात की राजनीति हो कहाँ रही है? हो रही है सर, हो कहाँ रही है? धर्म धर्म की राजनीति बंद होना चाहिए, धर्म और जात की राजनीति।